युवेंद्र चहल की घातक गेंदबाजी के आगे कोलकाता ने टेके घुटने। राजस्थान रॉयल्स ने 7 रनों से जीता मैच। IPL 2022 में 18 अप्रैल को एक रोमांचक मैच देखने को मिला। राजस्थान रॉयल्स ने KKR को 7 रनों से मात दी और आखिरी ओवर में जाकर जीत दर्ज की। राजस्थान रॉयल्स ने इस मैच में पहले बैटिंग की और जॉस बटलर के शतक की मदद से 217 रनों का स्कोर बनाया। जवाब में कोलकाता ने 210 रन ही बना पाई और आखिरी ओवर में जाकर मैच हार गई। राजस्थान रॉयल्स के ओपनर जॉस बटलर ने इस मैच में भी शतक जड़ा। बटलर ने 61 बॉल पे 103 रन की पारी खेली और वहीं कप्तान संजू सैमसन ने 19 बॉल पे 38 रन की पारी खेली और इस सीजन IPL 2022 में पहले हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज बने युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल ने 4 ओवर में 40 रन उठाकर 5 विकेट झटके और इस मैच में KKR की तरफ से एरन फिंच ने 28 गेंदों पे 58 रन की पारी खेली और कप्तान अय्यर ने 51 गेंदों पे 85 रन की पारी खेली, लेकिन यह मुकाबला राजस्थान रॉयल्स ने 7 रनों से जीत गए।